पिछोर विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह कग्गाजू ने बंडा गांव और मानपुर गांव के ग्रामीणों को 50 लाख रुपए की लागत की विद्युत लाइन की सौगात दी। पिछोर विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह कग्गाजू जनसंपर्क के दौरान ग्राम पंचायत बंडा और मानपुर पहुंचे ग्रामीणों ने विधायक केपी सिंह कग्गाजू का जमकर स्वागत किया। विधायक केपी सिंह जी के साथ जनपद अध्यक्ष अरविंद लोधी, जनपद उपाध्यक्ष संजय शर्मा एवं कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और नेतागण शामिल रहे। विधायक केपी सिंह ने मानपुर और बंडा गांव के लोगों को 50 लाख रुपए की लागत की विद्युत लाइन की सौगात दी। विधायक केपी सिंह ने कहा कि विद्युत विभाग की लापरवाही से अभी तक ग्राम पंचायत बंडा और मानपुर में ग्रामीणों को विद्युत की सप्लाई चालू नहीं की गई थी। विद्युत विभाग द्वारा थोड़ा बहुत काम कराया गया था और उसके बाद ग्रामीणों तक विद्युत की सप्लाई नहीं पहुंची थी। बंडा एवं मानपुर गांव के लोगों को मैंने आश्वासन दिया कि चुनाव के पहले आपको विद्युत सप्लाई उपलब्ध कराई जाएगी। जून महीने तक मानपुर और बंडा गांव वालों की लाइट पहुंच जाएगी और सभी ग्रामवासियों को विद्युत व्यवस्था मिल जाएगी। विद्युत व्यवस्था के लिए मेरे द्वारा 50 लाख रुपए की राशि दे दी गई। बहुत जल्द सभी ग्रामीणों के घर से अंधेरा दूर होगा और वह उजाले में अपना जीवन यापन कर पाएंगे। संवाददाता सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। विधायक जी, चुनाव के पहले ही आपने बंडा और मानपुर गांव को एक बड़ा जो है सौगात दी है, इसमें 50 लाख रुपए की कीमत की लाइट की लाइन यहाँ डाली जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये दो गाँव जो है मानपुर और बंडा, ये विभाग की गलती की वजह से वर्षों से विद्युत सप्लाई से वंचित थे। कई बार यहाँ लाइन तो थी पुरानी, लेकिन वो चोरी हो गई। बंडा में तो गांव के किनारे पे लाइट लगा के वो कह दिए विद्युतीकरण हो गया, गांव में लाइन नहीं पहुँची। ये विभाग की गलती थी पुरानी। पहले हम कोशिश करते रहे कि विभाग इसको ठीक कर लेगा, लेकिन पिछले चुनाव के समय मैंने इनको वायदा किया था कि हर हालत में अगले चुनाव के पहले इसको मैं चालू कराऊंगा। तो उसी अभियान के तहत मैंने ये अभी इसकी स्वीकृत कराई है और ये मई जून का महीना चल रहा है, जुलाई तक मुझे लगता है कि ठेकेदार अगर ठीक काम करेगा तो जुलाई तक ये काम भी पूरा हो जाएगा। और मानपुर जो अंधकार में था, विशेषकर आदिवासी बस्ती और बंडे का गाँव, वहाँ विद्युत व्यवस्था ठीक से हो जाएगी। लगभग कितनी लागत की ये जो लाइन डली जाएगी? 50 के आसपास जो आप बता रहे हो लगभग वही है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है 50 लाख के लगभग। धन्यवाद।